मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शादी कमेटी हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिहार विकास मिशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मानदेय वृद्धि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ट्रांसफर निकट जिला में जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कटौती राशि वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बिहार विकास मिशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार विकास मिशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शोक नहीं, हड़ताल कर रहे हैं सामूहिक रूप से। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सात निश्चय, उसका जो पहला निश्चय आर्थिक खली युवाओं को बल, उसी के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम का संचालन यहाँ जिला निबंधन परामर्श केंद्र से किया जाता है। और मुख्यमंत्री का जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट को हम लोग हर समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा खुद का भविष्य जो है अंधेरे में अभी चल रहा है। हम लोग पिछले एक साल डेढ़ साल से हम लोग विभाग से पत्राचार कर रहे हैं, हमारी कुछ पांच सूत्री मांगे हैं जिसको पूरा करने के लिए, लेकिन विभाग अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को मजबूरी वश अब हड़ताल पे जाना पड़ा है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं जो चौधरी कमेटी की जो अनुशंसा थी, जो कि संविदा कर्मियों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था, उसका रिपोर्ट वो 2021 में ही सौंप दी थी सरकार को, गजट में भी प्रकाशित हो गया था। लेकिन दो साल बीत गया, बिहार के सभी संविदा कर्मियों को लाभ उसका मिल गया, लेकिन हम लोगों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला है। और उसको लागू करने के लिए हमारे जो विभाग है वो क्या किया है कि एक और कमेटी का गठन कर दिया है, ताकि वो कमेटी रिपोर्ट देगी तब उसको लागू किया। कई चीजों, कई स्लोगन आप लोगों ने लिखा हुआ है, यदि ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी अगर हमारा जो चार दिवसीय हड़ताल का हम लोगों ने सूचना दिया हुआ है हर जगह, अगर 14 से 17 तक हड़ताल है हमारा, इस बीच में अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, तो हम लोग इसी हड़ताल को एक्सटेंड करके अनिश्चितकालीन तक ले जाएंगे। तो ये इसी स्थल पर आप लोग अपना स्थान? अभी अभी 17 तक हम लोग जिला स्तर पे हैं, बाकी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम समीर आनंद है, जिला अध्यक्ष है। हाँ बताइए, आप लोग जो धरना दे रहे हैं, हड़ताल किए हुए हैं, कोई आया कि नहीं आप लोग के बीच अभी बात करने के लिए? नहीं, अभी तक हम लोगों के पास किसी के द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया है और कोई भी हाल चाल लेने नहीं आया है कि हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, किसी आला अधिकारी के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जो 14 से 17 आप लोगों ने एक तरीके से अल्टीमेटम ही कहा जा सकता है जी, बिल्कुल। तो अभी आप लोगों से कोई मिला नहीं, आपकी मांगे स्थानांतरण निकटवर्ती जिला, हक मांगते हैं भीख नहीं, बहुत सी चीज़ें आप लोग जो आकस्मिक अवकाश के नियम में बदलाव, तो बहुत सी चीज़ें मांग है, तो कई मांगों के साथ आप लोग कर रहे हैं, तो संख्या इतना ही है कि और भी? ये जो संख्या है एक्चुअली ये पूरे बिहार में जितने भी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र है, DRCC कार्यालय है, बिहार के 38 जिले में सभी जगह के SWMPA के द्वारा ये स्ट्राइक किया जा रहा है। यानी चार दिनों के अंदर में आप लोगों की बातों को नहीं माना जाता है तो आप लोग तो इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे? किस तरह आगे की रणनीति और क्या होगी, मतलब आगे की रणनीति के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इसके ऊपर निर्णय लेंगे। अभी जो हम लोग बिहार विकास मिशन का भी घेराव करते तो क्या मतलब कि ये पहले से नियम था या मतलब कि अभी कुछ फेर बदल किया गया उसके विरोध में आप लोग कर रहे हैं या इस तरीके कुछ बताएंगे? इन नियमों में कुछ फेर बदल ऐसा है कि जैसे पहले हम लोगों की जब ज्वाइनिंग हुई थी तो हम लोगों को निकटवर्ती जिलों में ही हम लोगों का को जॉब दिया गया था जी, जी। बट अभी पिछले 2021 में अगस्त महीने में एकदम तानाशाही के तरह सभी लोगों का ट्रांसफर, पूरे बिहार के जितने SWMPA हैं सभी कर्मचारियों का ट्रांसफर जो है वो इधर से उधर कर दिया गया, जिसके तहत कुछ लोग ऐसे आए हैं जो 400 किलोमीटर की दूरी तय कर करके और दूसरे जिलों में जा कर करके सरकार के सपनों को साकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने सपनों का क्या होगा इसकी अनदेखी कर रही है गवर्नमेंट। तो इसी चीज़ को लेकर करके हम लोग इस धरने पर बैठे हैं। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले लगभग 1 सप्ताह का काला पट्टी लगा करके हम लोगों ने विरोध दर्ज किया था, मगर उसके ऊपर भी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। अभी इन मांगों को लेकर के हम लोग फिर से बैठे हैं, इस बार देखते हैं सरकार का क्या निर्णय होता है।
क्या परिचय हुआ आपको? नाम बता दीजिए। रणधीर कुमार। ठीक। जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो चार दिवसीय है, अब तक ना कोई डेलीगेट मिलने आया इस तरीके से, आज दूसरा दिन है ना ये? दूसरा दिन है। आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हड़ताल पर हैं, तो क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगा? जब दो दिन में कोई आया नहीं डेलीगेट मिलने, तो इस तरीके से जो चार दिवसीय, हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सात निश्चा, उसका हम लोग अहम पार्ट हैं। और सरकार अगर नहीं मांगेगी तो हमारी जो आंदोलन होगा तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिना जब तक हम लोग सरकार को तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर हम लोग पाँच साल से कम इस प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और हमारी मांग जो है काफ़ी पुरानी मांग है, और ये हम लोग पहले भी इस तरह के कई बार उतना दिए हुए सरकार को, ये हमारे बदलाव किया जाए, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांग मांगेगी, और अगर नहीं मांगे तो फिर उसका भी और विकल्प है, हमारी स्टेट टीम जो फैसला लेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। चलिए एक चीज, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हक मांगते भी, क्योंकि ये हम लोग का हक है, और हम लोग बहुत दिनों से इसका मांग करते आ रहे हैं। गिरि जिला के नज़दीक के जिला में स्थानांतरण का, मांडी बढ़ोतरी का, अशोक चौधरी कमेटी लागू करने का, और जो कटौती हम लोग का कहीं किसी भी विभाग में ऐसा नहीं है कि एक माह का मानदेय काट के रखा जाता है, उसमें भी जब जब वृद्धि होता है उसमें से भी काट लिया जाता है। इस तरह का रणनीति किसी भी विभाग में नहीं है, और ये हम लोग के साथ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। रुकिए, तो यहाँ कोई पदाधिकारी, क्योंकि ये शहर से सुदूर इलाके में है, जगह पे है, और आम जनता आपकी बातों को तो समझेगा नहीं, तो आम जनता कैसे आप अपनी समस्याओं को जो सिस्टम को पहुँचाने के लिए, हम अपनी मांगों को बिहार विकास मिशन तक पहुँचा रहे हैं भाया मीडिया, भाया जो भी हमारा जो हाँ यूट्यूब चैनल या यूट्यूब से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से, हमारे विभाग तक बात पहुंच गई है, और माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंच चुकी है, और हमें आशा है कि हमारे बातों पे अमल किया जाएगा, हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। चलिए ठीक।